हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में या आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, मतलब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के इस टॉपिक को लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, अब उसी के आगे के 15 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया गया है कि कोई एक प्रेरक, मतलब एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व तो है 1 हेनरी, ये दिया गया है। नेक्स्ट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और आपको फाइंड करना है कि बताइए प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। दूसरी चीज, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, IRMS, ERMS है, ये भी RMS है। उसके बाद फेज कंडीशन या फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच क्या हो। तो बच्चों अगर इसमें केवल एक कुंडली जुड़ी है तो जाहिर सी चीज है कि यह एक L सर्किट बनेगी, और L सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो एक आंसर तो यहीं से मिल गया कि फेज डिफरेंस कितने का होगा, 90 डिग्री का। ओके, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है और यल सर्किट है तो वोल्टेज करंट से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। यल सर्किट है तो वोल्टेज करंट से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। ओके, फिर इसी में अभी तो फेज डिफरेंस हो गया, यक से अल फाइंड करना है। तो यक से अल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देखेंगे, चूंकि यक्स एल बराबर 2πf(L) ये होता है। मान लग दीजिए 2 × π की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 50 × L की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे ये 50 × 100, 100 का गुणा 3.14 में कर देंगे तो 314 ओम, ये आ गया यक्स एल। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई, 314। दो आंसर आ गए, आई की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों। यल सर्किट है, यल सर्किट में चूंकि आई बराबर किसके होता है, तो आंसर है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, एक्स एल। केवल यल है तो उसी का रेजिस्टेंस, अब उसी का रेजिस्टेंस है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ गया आई बराबर वी, वोल्टेज कितना है 200 और एक्स एल कितना है 314। वहां कर देंगे 3×6 = 18, लगभग आई की वैल्यू आ जाएगी 0.64 इतने एम्पियर, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, आई। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0.64 एम्पियर। ओके, क्लियर हो गया, मिटा दें। वेरी गुड, सेकेंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल दिया कि किसी LR सर्किट एक दी गई है। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में LR सर्किट बन रही है जिसमें इंडक्टर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में इंडक्टर के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज दोनों अलग अलग दिए गए हैं, और आपको फाइंड क्या करना है कि टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा। तो वी एल इंडक्टर का वोल्टेज 12 वोल्ट, वी आर इसका वोल्टेज है 16 वोल्ट। अब आपसे फाइंड करना है कि सर्किट में नेट अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा। तो बच्चों एल और अगर एल और आर जुड़ा है तो जाहिर सी चीज ये कौन सी सर्किट बनेगी, एल आर सर्किट। और एल आर सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला होता है
वी बराबर अंडर रूट वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो वी बराबर अंडर रूट वी एल मतलब 12, 12 का स्क्वायर प्लस वी आर मतलब 16, 16 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर दिया तो ये हो गया 400, 400 का वर्गमूल 20, इतने वोल्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना आएगा? 20 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना आएगा बच्चों? 20 वोल्ट। नोट कर लीजिए, बिठा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है जो फिगर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में फिगर दिया गया है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से जोड़ा गया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया गया है V। इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर C, इसका वोल्टेज है 80 वोल्ट। फिर इसके बाद ये इंडक्टर है, इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में बच्चों सबका वोल्टेज दिया गया है। क्वेश्चन में कहा निम्ना के चित्र, तो फिगर ये बना है। इस फिगर से, इस फिगर में आपको दिया गया है वी आर कितना है? 40 वोल्ट, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज। वी सी कैपेसिटर का वोल्टेज 80 वोल्ट, इंडक्टर का वोल्टेज 40 वोल्ट। आपको बोल दिया गया कि बताओ नेट वोल्टेज कितना होगा। तो बच्चों जब एल भी है, सी भी है, आर है, दैट मीन्स एल सी आर सर्किट है। तो एल सी आर सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वी बराबर अंडर रूट वी एल डिफरेंस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो वी बराबर अंडर रूट वी एल डिफरेंस वी सी, मतलब दोनों का अंतर, सॉरी वी एल डिफरेंस वी सी, इन दोनों का अंतर। तो वी एल डिफरेंस वी सी कर दो तो 40, 80 माइनस 40 कर देंगे तो डिफरेंस है, पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। 40 में से 80 में से 40 हटाओ या 40 में से 80 स्क्वायर कर दोगे दोनों पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 80 माइनस 40 बराबर 40, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद वी आर, वी आर का मान भी 40 है, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, वर्गमूल कितना आ जाएगा बाहर? बाहर 40, यहाँ एक, यहाँ एक करड़ी में दो, इतने वोल्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40 करड़ी में दो वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा? 40 करड़ी में दो वोल्ट। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिटा दें। ओके, बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या चीज दिया गया बच्चों? दिया गया है कि रेजिस्टेंस कितना है? 10। ओके, एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस इसका कितना है? 0.8 हेनरी। इक्वेशन दिया गया है वोल्टेज का, E बराबर 240 साइन 300 टी। इसका अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर, देखो वोल्टेज है V बराबर, ऐसे समझ सकते हैं। अब जो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, ये V E के स्थान पे V मान करके आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो समझो ये दिया गया V बराबर 240 साइन 300 टी, कितना दिया गया है। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा V बराबर 240 साइन 300 टी की कंपैरिजन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से करने से, तो
वी नॉट कितना है 240, ओमेगा कितना है 300 रेडियन प्रति सेकेंड, 300 रेडियन प्रति सेकेंड इतनी दिया गया है। तो ये तो वोल्टेज हमको दिया गया है, सॉरी ओमेगा हमको मिल जाएगा। अब आपसे पूछ लिया गया प्रेरण प्रतिघात की गणना करो। तो प्रेरण प्रतिघात किसके बराबर होगा बच्चों, तो फार्मूला लगा दो, चूंकि XL बराबर ओमेगा है, तो XL बराबर ओमेगा कितना दिया गया है 300 और L कितना है 0.8, R3 24, एक अंक के दशमलव, XL बराबर 240, ये इसका आंसर होगा। एंड बहुत इजी क्वेश्चन, तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, मिटा दे इसको। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया बच्चों कि जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो है 141.4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.414 गुणे 100। बच्चों 1.414 करड़ी में 2 का मान है, तो ये आ जाएगा 100 करड़ी में 2 इतने ओम, ये हो गया जेड की वैल्यू। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 100 ओम, ये दिया गया है, आपको फाइंड करना है XL कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें XL मतलब इंडक्टर जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ये बन रही है LR सर्किट, ये LR सर्किट बन रही है। और अगर ये LR सर्किट बन रही है तो LR सर्किट में जो प्रतिबाधा होता है उसका सूत्र होता है Z बराबर अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। आपको XL फाइंड करना है तो XL बराबर अंडर रूट Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी है 100 करड़ी में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 200 का स्क्वायर माइनस, फिर बचा कितना है R का मान 100, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, करड़ी में 2 गुणे 100, ये है करड़ी में 2 गुणे 100 इसका स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बाहर कर लो, 100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा 100। अब बचेगा कितना करड़ी में, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 घटा देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 100, मतलब XL किसके बराबर आ जाएगा 100 ओम। XL किसके बराबर आ जाएगा 100 ओम। ओके नोट कर लिए, मिटा दे क्वेश्चन को। ओके अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस, जिसकी धारिता है, क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें बोला है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फैरड, या आप इसको लिख सकते हैं 10^-5 फैरड, जितना लिखा जा सकता है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक हेनरी का एक इंडक्टर भी जुड़ा है जिसमें अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या 50 साइकिल पर सेकंड है। आपसे पूछ लिया परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। ओके अब बच्चों एल भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये सर्किट एल सी सर्किट बनेगा, और एल सी सर्किट में जो प्रतिबाधा का सूत्र होता है ये होता है जेड बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी। बच्चों डिफरेंस ये बताता है जो बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटी वाली घट जाएगी, लेकिन जो जेड होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जेड बराबर एक्स एल को मैं लिख लूं ओमेगा एल, डिफरेंस एक्स सी को,
वन अपान ओमेगा सी, ऐसे ओमेगा एल ओमेगा का मान टू पाई एफ एल डिफरेंस एक बटे टू पाई एफ सी, दो गुड़े तीन दशमलव एक चार फिर गुड़े एफ का मान पचास एल का मान एक डिफरेंस एक बटे दो गुड़े तीन दशमलव एक चार फिर गुड़े एफ का मान पचास और इसकी वैल्यू टेन टू दी पावर माइनस फाइव, पचास दूनी सौ गुड़ा कर दिया तो ये तो आ गया तीन सौ चौदह माइनस दस की घात माइनस पांच को ऊपर लेकर के गए तो दस की घात प्लस पांच मतलब एक लाख बटे नीचे गुड़ा कर दिया पचास दूनी सौ मतलब तीन सौ चौदह, तीन तरीक का नौ लगभग तीन सौ कुछ आएगा, तीन सौ चौदह डिफरेंस घटाओगे इसको तो आएगा लगभग तीन सौ अट्ठारह दशमलव पांच। अब सरल कर लेंगे इसको तो तीन सौ अट्ठारह दशमलव पांच ये हो गया और तीन सौ चौदह घटा देंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा लगभग जेड बराबर चार दशमलव पांच, कितना आ जाएगा चार दशमलव पांच इसके बराबर परिपथ का प्रतिरोध या प्रतिबाधा होगी। ओके क्लियर हो गया, मिटा दे क्वेश्चन को। ओके लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 में तो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है इस क्वेश्चन में है कि एक प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व 0.21 हेनरी है। ओके फिर इसमें आर रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम का है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट की, जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आपसे बोल दिया इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी और दूसरा फेज डिफरेंस कितने का होगा करंट और वोल्टेज के बीच। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इसमें एल जुड़ा है आर जुड़ा है तो ये एक एल आर सर्किट बनेगा। एल आर सर्किट में परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं वो परिपथ की प्रतिबाधा या करंट, हम सीधे हमको करंट निकालना है तो करंट का फार्मूला लगाएं, जो करंट का जो फार्मूला होता है आई बराबर ये होता है तो वी अपान जेड वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस और टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको जेड से दिखाते हैं। ओके अब चूंकि ये जो सर्किट है वो एल आर सर्किट है तो आई बराबर वी अपान जेड की वैल्यू लिखोगे तो एल आर सर्किट में जेड किसके बराबर होता है एक्स एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी अपान अंडर रूट एक्स एल के स्थान पे टू पाई एफ एल कर लीजिए तो टू इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50 इंटू एल की वैल्यू 0.21 इसका स्क्वायर फिर प्लस आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर 144। और बच्चे जब पूरा इसको सरल करोगे आप तो आई बराबर ये आ जाएगा वी, वी की वैल्यू कितना है 220 बटे में पूरा स्क्वायर टर्म को इसको पूरा कैलकुलेट करें और उसमें 144 जोड़ दें तो आ जाएगा 4492.08। इसका वर्गमूल 220 बटे 67.02 और भाग कर देंगे तो भाग करने पर यह आ जाएगा लगभग 3.28 एम्पियर। तो बच्चों करंट कितनी आ जाएगी 3.28 एम्पियर, ये इतनी करंट फ्लो होगी। ओके नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा, करंट तो निकल गया फेज डिफरेंस कितने का होगा तो फाई हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि फाई बराबर होता है टेन इनवर्स
एल अपान आर। तो फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्स एल, एक्स एल अभी हम लोग निकाले थे खाली इस वाले टर्म का वर्गमूल, इस वाले टर्म का वर्गमूल निकालोगे बच्चों या इतने वाले टर्म का मान निकालोगे एक्स एल की वैल्यू इस खाली इतने से टर्म को अगर सरल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 65.94। तो 65.94 डिवाइड बाय 12, 12 × 5 = 8 मतलब 5 बराबर टेन इनवर्स ये आ जाएगा, टेन इनवर्स 5.5 इतना लगता। तो 5 की वैल्यू टेन इनवर्स 5.5 आएगी और करंट की वैल्यू 3.28 इतना आएगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ठीक है, ओके मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या चीज दिया गया बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। ये है जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट का, जो प्रेरकत्व तो है वो 1/π हेनरी दिया गया है। कह दिया कि जो रेजिस्टेंस है अगर वो 50 ओम का हो तो बताओ परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, प्रतिबाधा कितनी होगी, करंट कितनी फ्लो होगी और फेज डिफरेंस कितने का होगा। तो इसमें एल और आर दोनों जुड़ गए हैं तो सर्किट कौन सी सर्किट कंटेन करेगी, तो आंसर है एल आर सर्किट। तो ये तो एल आर सर्किट बन गई। ओके अब हमको एल और आर दिया है तो एल आर सर्किट में सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एक्स एल। तो इसको निकालेंगे तो एक्स एल बराबर 2πfL, 2 × 3.14 × f का मान है 60 इंटू एल का मान है 1/π, पाई से ये कैंसिल हो गया मतलब आ गया 120 ओम। एक्स एल एक आंसर तो मिल गया। जेड निकाल लेते हैं बच्चों, जेड का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्स एल कितना है 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यह आ जाएगा पहले 10 का स्क्वायर कॉमन कर लो, 10 का स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो इसमें से भी 10 का स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो वर्गमूल आ जाएगा 10, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 अब सर्व कर लिया तो 169 जो कि 13 का वर्गमूल है, तो जेड की वैल्यू 13 × 10 130 ओम। तो दूसरे में जो परिपथ की प्रतिबाधा आएगी वो कितनी आ जाएगी 130 ओम। अब आपको अगले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया गया करंट कितनी है, तो करंट कैसे निकालोगे, करंट का फार्मूला करंट का बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना लगाया गया है 200 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 130, सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 1.538 एम्पीयर, ये आ जाएगा आई। ओके नेक्स्ट में फेज डिफरेंस, तो एल आर सर्किट में फेज डिफरेंस टेन इनवर्स एक्स एल अपान आर। तो 5 बराबर टेन इनवर्स व्हाट इज एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू 120 आई है, एक्स एल की वैल्यू 120 रखते हैं यहाँ पे 120 बटे आर की वैल्यू कितनी आई थी, कितने दिया गया 50, 0 0 कर गया 5 × 20 5 × 2 = 10 5 × 20 टेन इनवर्स 2.4 ये आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू 5। ओके सरल कर लिया, समझ में आ गया, वेरी गुड। बिठा देते हैं क्वेश्चन को और लेते हैं अगला क्वेश्चन।
लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और समझते हैं 24 वाले क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो है 50 साइकिल पर सेकेंड। एल या इंडक्टर इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है, इसमें एक रेजिस्टेंस है जिसका मान है 31.4 ओम। इतनी चीजें आपको दी गई है और फेज डिफरेंस है पाई बाय 4 का। आपसे पूछ लिया गया इंडक्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे, एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर एल और आर दोनों है तो एल आर सर्किट बनेगा ये, और एल आर सर्किट में अगर मैं फेज डिफरेंस का फार्मूला देखू तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर। टेन को इधर कर लो तो टेन फाई बराबर एक्स एल बाई आर, तो एक्स एल बराबर टेन फाई इंटू आर। एक्स एल के की वैल्यू किसके बराबर, टू पाई एफ एल बराबर टेन फाई इंटू आर। एल बराबर टेन फाई इंटू आर डिवाइड बाई टू पाई एफ, एल बराबर टेन फाई, सबकी वैल्यू पुट अप करो, टेन फाई की वैल्यू पाई बाई फोर इंटू आर की वैल्यू 31.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू किसके बराबर है 50, ये हो गया 50। ओके, इससे इस वाले टर्म को कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 1, ऊपर तो 1 का बचा ये कट गया, नीचे 5 दूनी 10, 10 से 1 में भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा एट लास्ट एल बराबर 0.1 इतने एनर्जी, कितना आ जाएगा 0.1 इतने एनर्जी, एल की वैल्यू 0.1 एनर्जी। ओके, मिटा दे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या चीज दिया गया है उसको देखते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो इंडक्टर है जो उसका इंडक्टेंस है 1/π इतने हेनरी, ये दिया गया है। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर की, आपको फाइंड करना है इंडक्टर के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना होगा अगर फ्रीक्वेंसी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की 50 साइकिल। अब फार्मूला देखो, चूंकि आपको वी एल फाइंड करना है तो वी एल किसके बराबर होता है, आई इंटू एक्स एल के। अब वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल, 0.2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50, एल की वैल्यू 1/π, तो पाई से ये टर्म कैंसिल हो गया, 50 गुणी 100, 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो 20 वोल्ट कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। वी एल कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करना था, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, बिटा दे, गुड। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें एल की वैल्यू कितनी है, 0.2 हेनरी, एल की वैल्यू 0.2 हेनरी, आर की वैल्यू किसके बराबर है 0.50 ओम, फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो कितना है 50 हर्ट्ज। आपको
आई जो कि आरएमएस वैल्यू दी गई है वो कितना है 2 एम्पीयर। फाइंड करना है वीएल किसके बराबर होगा। बच्चों अभी जो क्वेश्चन लगाए हैं सेम उसी तरीके का एकदम सवाल है। वीएल का फॉर्मूला लगा दो तो वीएल किसके बराबर होता है आई इंटू एच सी एल। ओके तो वीएल बराबर आई इंटू एच सी एल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। आई का मान 2 फिर 2 पाई का मान 3.14 एफ का मान 50 एल का मान 0.2। 50 × 100 100 का गुणा इसमें कर दिया तो 2 × 4 0.4 फिर गुणे 314 गुणा कर लो 4 × 16 4 × 4 = 5 4 × 3 = 12 इतना। और एक अंक पे दशमलव लगा दो एक अंक पे दशमलव यहाँ पे इतने वोल्ट। तो वी एल किसके बराबर आ गया 125.6 वोल्ट। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके क्लियर हो गया वेरी गुड। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके क्वेश्चन नंबर 27 के पहले वाले केस में जो कि पहली वाली कंडीशन में कहा गया है उसको ध्यान से देखिए। जब दिष्ट धारा स्रोत से कुंडली जुड़ी होगी उस समय बच्चों डीसी करंट से जब जुड़ा होगा तो कॉयल से कॉयल में परिवर्ती धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उस समय कोई भी प्रेरण की घटना नहीं होगी, प्रेरकत्व 0 होगा। तो उस समय खाली ओमी रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। तो आप पहले वाली कंडीशन में कहा है कि जब दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ी जाती है, अब दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ी जाती है तो दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ने पर अगर दिष्ट धारा स्रोत से जुड़ेंगे तो उस समय कोई प्रेरकत्व तो नहीं, मतलब प्रेरकत्व तो 0 होगा तो XL 0। लेकिन उस समय R की वैल्यू 0 नहीं होगी, R की वैल्यू 0 नहीं होगी, R का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब R की वैल्यू किसके बराबर होगी, अब इसको अगर देखोगे तो जो अप्लाइड डीसी वोल्टेज है वो है 120 वोल्ट और जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.40 एम्पीयर है, इतना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा वोल्टेज अपान करंट 120/0.40 4 × 3 = 12 मतलब 300। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 ओम। आर कितना आ गया 300 ओम। दूसरे केस में कहा गया है कि जब यही कुंडली को आप केस सेकंड में कहा गया कि अब एसी स्रोत से जुड़ा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जब एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो एसी स्रोत से जोड़ने पर अब देखो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी तो कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब प्रेरण की घटना होगी तो प्रेरकत्व 0 नहीं होगा। तो उस समय XL भी 0 नहीं होगा और कॉयल का अपना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस भी होगा ये भी 0 नहीं होगा, मतलब ये एक एल आर सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। और अगर ये एल आर सर्किट की तरीके से बिहेवियर रहेगा तो ऐसी स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा हम जेड मान लें वो किसके बराबर होगी, तो जेड बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो जब एसी से जुड़ रहे हैं तो एसी का वोल्टेज भी कितना है 120 वोल्ट, लेकिन इस समय करंट कितनी फ्लो हो रही है तो आंसर है 0.24 इतने एम्पीयर। ओके तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज 120 टोटल करंट 0.24 डिवाइड कर दिया तो यहां से आ गया जेड की वैल्यू किसके बराबर 500 ओम। 24×25 120 2×0 10 हटाने के लिए लगा देंगे तो 500 ओम इसके बराबर हो गया। अब आपको चूंकि दोनों जब ये
एल आर सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। तो एल आर सर्किट की तरीके से बिहेव करते समय परिपथ की प्रतिबाधा इतनी आ गई, और हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कि जो कॉयल लगा है उसका इंडक्टेंस कितना। मेन चीज हमको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में कॉयल का आपको क्या फाइंड करना है, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू आप निकालने के लिए आर निकल गया है, आर भी निकल गया है, आर की वैल्यू इतनी है, जेड भी निकल गया है, तो एक्सएल निकाल लीजिए। एल आर सर्किट में जेड का फार्मूला अंडर रूट, एल आर सर्किट में जेड का फार्मूला क्या होता है, तो जेड का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या यहां से एक्स एल बराबर अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एक्स एल किसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स एल बराबर अंडर रूट जेड का मान 500, 500 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 300, 300 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो 100, और फिर गुणे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 9 मतलब 9, 9 का 25 में से 9 घटा दोगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो गया 4, मतलब एक्स एल किसके बराबर हो गया 400। एक्सएल किसके बराबर हो गया 400। अब 400 ओम एक्सएल मिल गया तो आप एल निकाल सकते हो। एक्सएल बराबर किसके होता है, तो एक्सएल बराबर आप देखोगे तो एक्सएल बराबर आपसे सवाल में क्या कहा लास्ट में, यदि प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकेंड हो तो कुंडली का प्रेरकत्व कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेरकत्व और धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होगा। सबसे पहले अगर EF बराबर 50 दिया गया है, क्वेश्चन आगे लगाते हैं बच्चों, इधर से जगह उधर कम है, सार्थ है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा गया है कि यदि यदि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड हो तो बताइए प्रेरकत्व कितना होगा, और दूसरा धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा। तो एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्सएल निकल गया, एक्सएल के स्थान पे 2 पाई एफ एल बराबर कितना है 400, तो यहां से एल बराबर निकालेंगे तो 400 बटे 2 पाई एफ, तो एल बराबर 400 बटे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50, 50 दूनी 100 ये से कैंसिल, मतलब 4/3.14, तो एल भाग कर दोगे तो कितना आएगा 1.27 हेनरी, ये आ गया एल की वैल्यू। अच्छा फेज डिफरेंस निकालना है फाई की वैल्यू वोल्टेज और करंट के बीच, तो एल आर सर्किट में फाई किसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल किसके बराबर है 400, आर किसके बराबर आया था 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब ये हमको मिल जाएगा कितना फाई बराबर टेन इनवर्स 4/3, ये इसका आंसर होगा। तो फाई की वैल्यू टेन इनवर्स 4/3, और उसी समय एल की वैल्यू कितना आएगा 1.26। क्लियर हो गया, ओके मिटा देते हैं इसको। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28वां सवाल क्या कहा गया। 28वें सवाल में आप देखोगे तो बच्चों अप्लाइड वोल्टेज है, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। अप्लाइड वोल्टेज है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है 100 ओम का, तो
शुरू में आपको कहा दिया गया कि जब एक खाली रेजिस्टेंस जोड़ा गया है तो शुरू में ये कौन सी सर्किट होगी, आर सर्किट। आर सर्किट होगी तो ऐसी स्थिति में करंट कितनी जाएगी, करंट बराबर वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, 220 बटे 100 बराबर 2.2 एम्पीयर। मतलब आर में कितनी रेजिस्टेंस है, कितना करंट जाएगी, 2.2 एम्पीयर। ये तो सारी चीजें पहले केस में कही गई है, केस फर्स्ट में। ओके, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हमसे ये कहा गया कि अगर प्रतिरोध के साथ एक चोक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो धारा प्रारंभिक मान की आधी आ जाती है। तो बच्चों एक रेजिस्टेंस था ही, इसके साथ एक चोक कुंडली जोड़ दो और वोल्टेज का सोर्स वही है, मतलब वोल्टेज अभी भी कितना है, तो आंसर है 220 वोल्ट। ये इतना ही है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमने और एक इंडक्टर जोड़ दिया, तो ये पूछ लिया गया इंडक्टेंस कितना होगा। तो बच्चों जब हम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बोल दिया कि करंट अब आधी होगी, करंट आधी होगी। सबसे पहले टोटल वोल्टेज दिया है, करंट दिया है टोटल, तो हम सबसे पहले निकाल ले परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो परिपथ की प्रतिबाधा अगर निकाल लोगे, या हम ये देखें परिपथ की प्रतिबाधा भी ना निकाल करके, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तीनों का रिलेशन होता है। देखो कौन सी सर्किट बनेगी, एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में टोटल वोल्टेज होता है वी बराबर अंडर रूट वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से वी एल बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट वी एल की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट, इसके बराबर हो जाएगा वी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। वी एल बराबर अंडर रूट वी का मान मतलब 220 का स्क्वायर माइनस वी आर। अब वी आर देखो आर का मान कितना है 100 ओम और करंट कितनी जा रही है 1.1 का, इसमें पूरा कर दोगे तो 121 जीरो मतलब कितना आ जाएगा 110 100 गुणे 1.1 इसका स्क्वायर पूरा कैलकुलेट कर लोगे बच्चों तो वी एल की वैल्यू एट लास्ट वर्गमूल वगैरह सब कुछ निकालने के बाद 190.5 वोल्ट इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुंडली को किस प्रेरकत्व की चोक कुंडली को जोड़ा जाए कि धारा आ जाए। ठीक है, तो वी एल निकल गया, वी एल का फार्मूला क्या होगा, वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल के स्थान पे 2πf इंटू एल। यहाँ से एल निकाल लो, वी एल तो मिल गया आपको, तो यहाँ से एल बराबर कितना होगा, तो आंसर है वी एल बटे 2πf इंटू आई। एल बराबर 190.5 बटे 2×3.14 गुड़े फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और फिर गुड़े करंट कितना है 1.1। सरल कर लोगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 0.55 हेनरी, ये इसका आंसर होगा। ओके, ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी पूछा गया है। ओके, मिटा दें आप। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1 ओम। आप क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, परिपथ में धारा का शिखर मान है 10 एम्पीयर, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है 200 साइन 377 टी।
अब देखो, अब इसमें आपसे प्रेरकत्व की बात कहा है, तो ये जब प्रेरकत्व की बात कहा गया है तो ये कौन सी सर्किट होगी? एल आर सर्किट। ओके, अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो वी नॉट कितना है? 200 वोल्ट, और ओमेगा कितना है? 377। अब ओमेगा मिल गया तो एक्स एल हम लोग फाइल कर, पहले इसको इतना रहने दो, पहले हम निकालते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालोगे तो प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। टोटल वोल्टेज 200, टोटल करंट 10, ये डिवाइड कर लो तो जेड बराबर आ जाएगा 20 ओम। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ओम। अब चूंकि एल आर सर्किट में जेड का फार्मूला अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहां से एक्स एल निकालो अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एक्स एल बराबर अंडर रूट जेड का स्क्वायर 20, 20 का स्क्वायर मतलब इतना 400 माइनस एक। एक्स एल के स्थान पे ओमेगा एल लिखो बराबर 399। 399 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 19.9 इतना। तो एल बराबर 19.9 बटे ओमेगा का मान कितना है? 377 इतना। अब जब इसको डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो आ जाएगा एल बराबर 0.0527 इतनी हेनरी, या आप लिख लो 0.053 हेनरी, या इसी को आप ऐसे लिख दो 53 × 10⁻³ हेनरी। 53 × 10⁻³ हेनरी बराबर 1 मिली हेनरी, या ये हो गया एल बराबर 53 मिली हेनरी, ये इसका आंसर होता है। ओके गुड, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को लगाएंगे। क्लियर हो गया? वेरी गुड, मिटा देते हैं बच्चों और लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिटा दें? ओके बच्चों, जो क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है उसको खूब अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ही देखेंगे। जब मैं क्वेश्चन लूंगा क्या क्या चीज दिया गया, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे ताकि चीजों को समझ सकें अच्छे से। ओके मिटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दो केसेस हैं, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में दो केस हैं। केस फर्स्ट में आपको दिया गया है कि वोल्टेज है 80 वोल्ट और जो करंट फ्लो हो रही है वो है 10 एम्पीयर की। तो शुरू में जब डीसी सोर्स से जोड़ा गया है, पहले तो कहा गया डीसी सोर्स से जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो V बराबर किसके हो जाएगा? तो आंसर 80/10 डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा 8, ये है रेजिस्टेंस मिल गया। केस सेकंड में आपको दिया गया है वी आर एम एस अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट और करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई आर एम एस कितना है? 10 एम्पीयर। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। अब आपसे चूंकि अब कहा गया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है एक प्रेरकत्व को, तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में तो दोनों में धारा का मान एक समान होगा। इस बात को लिख लेते हैं, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसलिए सबसे पहले हम परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो टोटल रेजिस्टेंस इसको प्रतिबाधा कहते हैं, जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस वोल्टेज अपान करंट, 100/10 बराबर 10 ओम। ये तो आ गया जेड की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू मिल गई तो ये देखो आर जुड़ गया है, फिर इसी के साथ हमने जोड़ दिया ये बल्ब था जो इतने डीसी पर इतना ओम रेजिस्टेंस वाला था, अब इसको जोड़ दिया गया है इसमें, तो जेड किसके बराबर होगा? तो जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस बराबर 100/10 बराबर 10 ओम। अब एल आर सर्किट बनेगा, एल आर सर्किट में जेड का फार्मूला अंडर रूट
यक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो यक्स एल बराबर अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यक्स एल बराबर अंडर रूट जेड का मान 10 का स्क्वायर 100 माइनस आर का स्क्वायर 64 दोगे 36, 36 का वर्गमूल 6, यक्स एल बराबर 6 ओम, 2 पाई एफ एल बराबर 6, तो एल बराबर 6 बटे 2 पाई एफ मान रख दो तो ये आ जाएगा एल बराबर 6 बटे 2 गुणे 3.14 और फिर गुणे एफ का मान 50। डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 50 गुणी 100 मतलब 6 बटे 314, 3 गुणी 6 मतलब लगभग भाग करने के 0.02 इतने हेनरी आएगा। एल का मान कितना आ जाएगा 0.02 लगभग इसके बाद। ओके तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने से जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व कराए गए हैं सभी को खूब अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे और पढ़ते रहेंगे। जो भी डाउट रहेगा उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे या आप कुछ सजेशन देना चाहें तो उसको भी बता देंगे। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, हम उस पर जरूर कुछ न कुछ सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में या और किसी चीज़ में वीडियो से रिलेटेड हम उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।